देखिए, इन चारों सीटों पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में हम सभी सीटों पर जीतने में कामयाब होंगे। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी इन चारों विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रहा है और इन सभी सीटों में हम भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने पिछले 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस द्रुत गति से काम किया है, हर सेक्टर, सभी क्षेत्रों में सभी वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार ने जो काम किया है, जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हम सभी के लिए कितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है। चाहे बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार देने का मसला हो, चाहे हर घर बिजली पहुंचाने का मसला हो, हर खेत में बिजली पहुंचाने, सिंचाई के लिए बिजली पहुंचाने का मसला हो, हर घर नल का जल पहुंचाने का मसला हो, राज्य में NH की सड़कें हों, SH की सड़कें हों, ग्रामीण सड़कें हों, हर तरह के सड़कों के निर्माण से राज्य में जो आवागमन का रास्ता सुगम हुआ है, इससे आम जन आज काफ़ी खुश हैं। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्रों में राज्य सरकार ने जो काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जो काम किया है, इस काम से हम जब चुनाव क्षेत्र में गए तो चुनाव में सभी लोगों ने राज्य सरकार के प्रति आभार प्रकट किया और चारों विधानसभा में NDA गठबंधन के सभी प्रत्याशी जीतने में सफल होंगे। केरला गंज के जो उम्मीदवार हैं रमा देवी, उनके अपोनेंट हैं विश्वनाथ यादव, जो सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं, वो राजद कर रही है कि वहाँ से उनकी पार्टी जीतेगी। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा देवी जी भारी मतों से चुनाव जीत रही हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल तो स्वाभाविक है अपना सीट बचाने के लिए, वो तो कहेंगे ही कहेंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो वहाँ जाकर के प्रचार कार्य में शामिल हुआ, प्रचार में जाने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ, मैं उस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि हम बेलागंज विधानसभा सीट भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। सर, इमामगंज से जो दीपा मांझी लड़ रही हैं, उनके अपोनेंट हैं राजद के राशन मांझी, वहाँ आदरणीय जीतनराम मांझी पिछले कई वर्षों से इमामगंज के क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं और स्वयं दीपा मांझी भी जिला पार्षद रह चुकी हैं, सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रही है और सामाजिक कार्यों के आधार पर दीपा मांझी को हम पार्टी ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया और हम पार्टी वहाँ से भारी मतों से चुनाव जीतने जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल का दावा है, दावों को क्या कहना है, दावा तो दावा होता है। अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का, जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज, कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।